हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। हम लोग आज YDSC के क्वेश्चन देख रहे हैं जो लास्ट इयर्स में आए हैं IIT JEE और नीट में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है, कंसीडर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। स्लिट सेपरेशन कितना हो, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन सो दैट द फर्स्ट मिनिमम अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लिट। इसके एकदम सामने वाले पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा आ जाए, मतलब इस तरह से फिगर बने। ओके, तो इस तरह से फिगर बननी चाहिए बच्चों। फर्स्ट मिनिमा कहां पर आएगा? अगर ये एक मैक्सिमा है और ये इसकी टोटल फ्रिंज विड्थ बीटा है, एक फ्रिंज की विड्थ बीटा है जो कि अपने को पता होती है लैम्डा एल बाई डी, तो फर्स्ट मिनिमा की पोजिशन कितनी हुई? फर्स्ट मिनिमा की पोजिशन हुई वाई इज इक्वल टू बीटा बाई टू। और क्या बोला है कि फर्स्ट मिनिमा किसके सामने होना चाहिए? स्लिट के सामने। स्लिट के सामने होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली हाइट किसके बराबर होगी? यहां पर ये d टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स, तो ये होगी d बाई टू। तो बीटा बाई टू किसके बराबर होना चाहिए? d बाई टू। बेसिकली लैम्डा l बाई टू d किसके बराबर होना चाहिए? d बाई टू। कैंसिल करो, सिंपली d की वैल्यू आ गई अंडर रूट लैम्डा l। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये YDSC का है, इसमें दिया है, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिया बच्चों वो हमारे अप्रोक्सीमेशन से मैच नहीं करती। हम लोग जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो हम मान लेते ये जो डिस्टेंस होती है l, इट शुड बी मच मच ग्रेटर देन d। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, l की वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ d। मच मच ग्रेटर देन मतलब उससे 20 times, 50 times, 100 times है। तो यहाँ पर ना हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो नहीं लगा पाएंगे। समझ में आया क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करते थे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने का, डी साइन थीटा लिख के और फिर उसको अप्रोक्सीमेटली डी लैम्डा बाई एल करके निकालते थे, वो अब हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? मैंने आपको वजह बता दी। इनफैक्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेन ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। इन दो पॉइंट से यहां पर लाइट पहुंच रही है, एक पॉइंट से S1 से जो लाइट चलेगी उसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? S1P। और S2 से जो लाइट चलेगी उसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? S2P। और हमें पाथ डिफरेंस सीधे सीधे निकालना है, S2P माइनस S1, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। ओके, और S2P माइनस S1P कितना निकल जाएगा बच्चों? ये लेंथ कितनी आएगी पाइथागोरस से देख लो। ओके, पाइथागोरस से देखोगे ये डी है और ये 2D है, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 2D का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5D। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2D। और अब हम देख सकते हैं रूट 5D माइनस 2D और पार्ट डिफरेंस आ गया d इंटू रूट 5 माइनस 2। और ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? तो यहां पर मिनिमा आ जाएगा। मिनिमा लाने के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस है इट शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू। ओके, अगर ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा पार्ट डिफरेंस तो मैक्सिमा आ जाएगा, अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, और लैम्डा बाई टू हो जाएगा तो फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन के लिए हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा अपॉन टू अंडर रूट 5 माइनस 2। ओके, मेरे पेपर में बच्चों मेरा आंसर मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वाई टी बाई एल जो होता है वो हम इसमें नहीं यूज कर पाए। क्यों नहीं यूज कर पाए? क्योंकि एल वॉज मच मच ग्रेटर देन डी होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। एल की वैल्यू 2D। ओके,